इस मॉड्यूल में हम फाइलम एनिलेड्स की क्लास पोलिक्ड्स की एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्लास पोलिक्ड्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इसके ज़्यादातर नाइट्रोजीनियस बेस प्रोडक्ट्स या अमोनिया हैं ये उन एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं जिनका मोड ऑफ लिविंग जो है वो वाटर में है अब एनीलिड्स जो है फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और साल्ट वाटर में भी रहेंगे मेरीन वाटर में भी रहेंगे अब इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं दे आर यूजअली इवॉल्व टू कम बैट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू अ प्रोसेस दैट इज़ नोन एज ऑसमो रेगुलेशन अब ज़्यादातर मेरीन पॉलीकीड्स हैं मेरीन पॉलीकीड्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होगा बाहर जो है वो साल्ट का इन्फ्लक्स ज़्यादा है बॉडी के अंदर साल्ट का इन्फ्लक्स कम है तो इसके अंदर क्या होगा वो बॉडी की ऑस्मो रेगोलेशन के थ्रू साल्ट की या आयन की कंसनट्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा अब इसके अंदर जो ऑस्मो रेगोलेशन का प्रोसेस है दिस विल ओनली अलाउ द एनिमल्स टू लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन हैबिटेट। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गेंस एनिलिड्स के पॉलिक दूसरे इन वर्टिब्रेट्स की तरह जो ऑर्गेन्को हम कहते हैं नफ्रीडिया अब नफ्रीडिया जो हैं वो कीट्स में दो तरह के हैं नंबर वन जो है उसको हम कहते हैं प्रोटोनफ्रीडियम प्रोटोनेफ्रीडियम किस तरह का होगा दैट इज़ अ क्लोज ट्यूब्यूल जो कि ट्यूब्यूल विद विद अ क्लोज बल्ब एट वन एंड और इसका दूसरा कनेक्शन जो है दैट विल बी आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ पोर अब प्रोटोनिफ्रीडिया जो है इसके अंदर फ्लेजेला मौजूद हैं और फ्लेजेला जो है वो इसके ट्यूबुलर एंड पे मौजूद है फ्लेज़ेला क्या करते हैं अपनी फ्लिकरिंग मूवमेंट शो करते हुए बॉडी से फ्लूड्स को इकट्ठा करेंगे और इसको नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बाहर ले जाएंगे इसी तरह से कुछ जो प्रिमिटिव प्रिमिटिव का मतलब है जो बहुत पहले मौजूद थे एनिमल्स प्रिमिटिव पॉलिकड्स के अंदर हर सेगमेंट के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद हैं और ये प्रोटोनफ्रीडिया जो है दे आर यूजुअली हर सेगमेंट का अपना प्रोटोनफ्रीडियम है और इसके अंदर टफ़ टफ्लैलम है वो फ्लिकरिंग मूवमेंट करते हुए इन बॉडी से इंटरनली फ्लूड को कलेक्ट करते और जो अपर्चर जिसके थ्रू वो बाहर खुलते हैं उसको हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर अब ज़्यादातर पोलिक्ड्स जो हैं उनके अंदर एक और किस्म के भी नेफ्रीडियम मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं मेटा नेफ्रीडियम अब मेटा नेफ्रीडियम में क्या है मेटा नेफ्रीडियम के अंदर एक ओपन सिलिएटेड फनल मौजूद है जिसको हम कहेंगे नेफ्रोस्टोम अब ये नेफ्रोस्टोम का एक एंड जो है दिस इज प्रोजेक्टिंग इन टू द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द सिलोम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट अब ऑपोजिट साइड पे जो ट्यूबुल्स है इसका एंड भी दैट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी वॉल थ्रू एन अपर्चर दैट इज कॉल्ड न पोर और या ओकेजन समटाइम्स इट कैन आल्सो ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द इंटस्टाइन अब यूजुअली हर सेगमेंट के अंदर अपना मेटानेफ्रीडियम भी होगा और अपना प्रोटोनफ्रीडियम भी होगा अब इसके साथ जो है जब हम बात कर रहे हैं ट्यूब्यूल्स की तो ट्यूब्यूल्स के अंदर अपना एक कैपलरी बेड भी मौजूद है मेटानेफ्रीडियम के अंदर भी कैपलरी बेड मौजूद है और इस कैपलरी बेड का क्या रोल है के थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दिस कलेक्ट्स द फ्लूड्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द ब्लड एज एंड द फ्रॉम द नेफ्रीडियम कुछ पॉलिकट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक और पर्टिकुलर ऑर्गन मौजूद है और उस ऑर्गन को हम कहते हैं क्लोरागेगोन अब क्लोरागेगोन जो है टिश्यूज जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अल्स अब इस टिश्यू के फंक्शंस को हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ इन्वॉल्व इन द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन केस ऑफ ऑल एनिलिड्स और इसकी फर्दर जो है क्या फर्दर एलेबोरेशन है फर्दर डिस्कशन है उसको हम क्लास ओलिगो किड्स में एक सेपरेट वे से डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे आप देखें अभी जो हमने बात की एक्सक्रीशन की दीज आर यूजुअली दिस इज्रीडियम प्रोटोनेफ्रीडियम का यहाँ पे आप देखें कि हर सेगमेंट uh, के अंदर एक प्रोटोनेफ्रीडियम मौजूद है इसका एक एंड जो है दिस इज़ अ गट ल्यूमन एक एंड इसका गट ल्यूमन में खुल रहा है और इस गट ल्यूमन के साथ है सिलोम और गोनोडक्ट अब हर एक गोनोडक्ट जो है दिस इज़ ओपन इनटू द गट ल्यूमन और ये सारे के सारे जो हैं इनके हर एक की जो आउटसाइड द बॉडी ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर अब यहाँ से आप देखें गोनो डक्ट्स जो हैं सिलोम से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे गट ल्यूमन में लाएंगे गट ल्यूमन से फिर दिस विल ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द नेफ्रीडियो पोर दिस इज़ एन टाइप ऑफ नेफ्रीडियम कार्ल्ड प्रोटोनफ्रीडियम सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रीडियम इज कार्ड मेटानेफ्रीडियम मेटानेफ्रीडियम में भी अगर आप देखें तो दिस इज़ हैविंग सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द प्रोटो लेकिन इनकी कंपोजिशन और इनका जो है दैट इज़ लिटल बिट डिफरेंट बट फंक्शनली दीज आर सिमिलर इसके अंदर जो है नेफ्रोस्टोम्स मौजूद हैं गट ल्यूमन मौजूद है नेफरीडियो पोर्स मौजूद हैं इसमें गट ल्यूमन से वेस्ट को क्लेक्ट करेंगे नेफ्रोस्टोम्स पर लाएँगे नेफ्रोस्टोम्स विल ओपन आउटसाइड थ्रू दिस नेफरीडियो पोर्स अब यहाँ पर आप देखें टिपिकल एक एग्जाम्पल uh, जो है नेफ्रीडियम की नेफ्रीडियम यहाँ पे नेफ्रोस्टोम्स वेंट्रल ब्लड वेजल्स गोनेड्स ब्लैडर और ये है इसका सेक्रेटरी पोर्शन ऑल दिस वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड एंड इज देन एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी थ्रू एन एक्सटर्नल ओपनिंग तो एक्सक्रीशन के लिए एनीलिड्स में जो मेटानेफ्रीडिया और उसकी टाइप्स हैं और उनका फंक्शन जो है दैट इज़ क्वाइट क्लियरली एक्सप्लेन टू दिस डायग्राम।